अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो है होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो आज हम घर ही पे सिंपल और इजी तरीके से पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाने वाले हैं। ये घर का पिज़्ज़ा खा के आप बाहर के मार्केट के पिज़्ज़ा को भूल जाओगे। तो चले हम इस पिज़्ज़ा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट सबको पसंद ही आता है, तो चले बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा के लिए ब्रेड बना लेना है। उसके लिए मैंने लिया है एक बर्तन में हाफ कप के करीब दही। उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब शक्कर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है हमें, और 3/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पहले। और पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट मैदा, यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब मैदा यूज़ किया है। इसे हमें एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, और जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं बस उसी तरह से हमें इसे गूंद लेना है और एक डो तैयार कर लेना है इसका। इसी सिंपल तरीके से आप इसी तरह से पिज़्ज़ा का ब्रेड घर ही में बना सकते हो। आपको मार्केट का पिज़्ज़ा ब्रेड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगता है ये खाने में भी। देखिए हमारा डो बन के रेडी है। अभी हमें इसे 1 घंटे के लिए कवर करके रख देना है। देखिए यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, इसे हमें मैरिनेट कर लेना है। उसके लिए मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून के करीब दही, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला, नमक ऐड कर ले टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 नींबू ऐड कर ले। यहाँ हम चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है, 400 ग्राम के करीब चिकन है ये। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना मैं भूल गई थी, 1 टीस्पून के करीब ऐड कर ले इसके अंदर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। और इसे भी हमें मैरिनेट करने के लिए 1/2 घंटे के लिए छोड़ देना है कवर करके। देखिए तकरीबन 1/2 घंटा हो गया है। अब हमें चिकन को फ्राई कर लेना है। उसके लिए मैंने पैन में लिया है 1 स्पून के करीब तेल। तेल को गरम कर ले और जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो इसमें ऐड कर ले। अच्छी तरह से इसे स्टर कर ले। इसे अच्छी तरह से स्टर करने के बाद हमें इसे फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक के। देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अभी हमें इसे एक अलग से प्लेट में निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, शिमला मिर्च है, गोभी है, प्याज है और गाजर है। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं, क्वांटिटी भी आप पे डिपेंड करती है, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्राइड चिकन ऐड कर लिया है इसके अंदर, जो हमने फ्राई करके रखा था चिकन को। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 1 टेबलस्पून के करीब मेयो। इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से चिकन और वेजिटेबल में। मिक्स करने के बाद इसे भी हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, दूसरी तैयारी कर लेंगे अब हम। देखें हमारे यहाँ पर डो बन के रेडी है अच्छी तरह से। देखें हमें इस डो को रोटी की तरह ही बेल लेना है। यहाँ पर मैं इस डो से तकरीबन 2 ब्रेड बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो 2 या 3 ब्रेड भी इससे बना सकते हैं। मैं बड़े साइज़ का 2 ब्रेड बनाऊँगी इससे। हमें मैदा का आटा ले लेना है और बस हमें इसे रोटी की तरह ही से बेल लेना है।
ख्याल रखें, हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा हम इसे जाड़ा ही रखेंगे। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा पिज़्ज़ा का ब्रेड जाड़ा ही होता है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें इसे। अभी हमें स्ट्रॉ या किसी भी चीज़ से, यहाँ पर मैंने टूथपिक लिया है, सुराख कर देना है ताकि जब हम इसे सेकें तो ये फूले ना। देखिए यहाँ पर मैंने पैन रख दिया था जिसे मैंने प्री हीट कर लिया है 5 मिनट पहले। हमें इसी पे इसे ब्रेड को सेक लेना है। यहाँ पर हल्का सा 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाल दे और इसे स्प्रेड कर दे अच्छी तरह से ताकि हमारा ब्रेड चिपके ना। देखिए हमारा जो ब्रेड है वो इस पैन पे हम प्लेस कर देंगे और इसे सेक लेंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, कवर कर लेंगे हम इसे। देखिए वो ब्रेड के सेकने तक हम दूसरा ब्रेड बना के भी रेडी कर देंगे। देखिए हमारा ब्रेड एक साइड से सेक गया है, इसे टर्न कर ले और हल्के हाथ से प्रेस कर ले इसे। पूरा प्रोसेस करते टाइम हमें फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसे इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले सबसे पहले। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा की जान, जो है अमूल चीज़। मोज़रेला का यूज़ किया है मैंने, आप अपनी पसंद का कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से पिज़्ज़ा पे स्प्रेड कर दे, पिज़्ज़ा ब्रेड पे। उसके बाद अब हम इस पे ऐड करेंगे हमारा चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर जो हमने पहले तैयार करके रखा हुआ था, इसे भी हमें अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। अब दोबारा एंडिंग में वापस हम चीज़ को स्प्रेड कर देंगे पिज़्ज़ा के ऊपर। पिज़्ज़ा का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो चीज़ ही है, चीज़ से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक कर लेना है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हमारा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा बनके रेडी है। देखिए कितना यमी लग रहा है और कितना चीज़ी लग रहा है ये। इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें टमाटो सॉस के साथ। अब हम दोबारा उसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 डो बनाया था जैसे कि आपको पता है। दूसरा पिज़्ज़ा डो भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे जैसे मैंने पहले प्रोसेस किया, सेम उसी प्रोसेस से आप इसे रेडी कर ले। यकीन मानिए गाइज़, ये होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी बहुत ही यमी बनी थी। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है पिज़्ज़ा। वीकेंड्स आ रहा है तो आप इस पिज़्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में सबको बना के खुश कर दे और सबकी दुआएँ ले। देखिए हमारा दूसरा पिज़्ज़ा ब्रेड बन के भी रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मिलूंगी एक और ऐसी ही रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।